हेलो गाइस, टुडे विल बी डिस्कस अबाउट रेसिप्रोकेटिंग पंप। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था पंप क्या होता है। पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि सिंपल पंप क्या वर्क करता है। तो देखिए, पंप क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है हाइड्रोलिक एनर्जी में। देखिए, घरों में जनरली आपने पंप देखे होंगे, तो उसमें क्या होता है, वाटर बॉटम लेवल से अपर लेवल तक आप उसे पहुंचाते हो। वो किसकी हेल्प से डिलीवर होता है, वो पंप की हेल्प से होता है। तो क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी आप ऑन करते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है हाइड्रोलिक एनर्जी में, मतलब प्रेशर एनर्जी में। तो पंप का वर्क हो गया। अब पंप जी दो टाइप के होते हैं, एक सेंट्रीफ्यूगल पंप और एक रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में आपको बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में, तो प्लीज़ उसे देखिएगा, उसे है ना, बहुत अच्छा मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, तो समझ में आ जाएगा। न्यूमेरिकल हो चाहे वो थ्योरी हो चाहे डेफिनेशन हो, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में आपको बता चुका हूँ। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या था, एक रोटरी पंप था जो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा था हाइड्रोलिक एनर्जी में। तो और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए क्या, रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या करता है, ये भी हाइड्रोलिक मशीन होती है जो कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी में, विच इज मेनली इनटू फॉर्म ऑफ प्रेशर एनर्जी। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि जब वाटर को सक करते हैं तो वो क्या हुआ, हाइड्रोलिक एनर्जी, वो किसमें हुई, मैकेनिकल में। फर्दर मैकेनिकल से क्या हुआ, पिस्टन के प्रेशर से वो डिलीवर हो रहा है, तो वो कौन सी में कन्वर्ट हो गई, हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। क्लियर है सभी को। और इसमें फिर देखिए पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, सक्शन पाइप होता है, एक डिलीवरी पाइप होता है, सक्शन वाल्व होता है और डिलीवरी वाल्व होता है। मैं एक डायग्राम की हेल्प से आपको पूरा भी एक्सप्लेन करूंगा। तो आपका ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेसिप्रोकेटिंग पंप। देखिए स्टूडेंट्स, ये डायग्राम है रेसिप्रोकेटिंग पंप का, तो इसको प्लीज क्लियर समझिएगा और इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, एग्जाम में जरूर आएगा ये, तो इसको बनाना। देखिए इसमें क्या है, नीचे क्या है, एक सम्प है, सम्प का मतलब वाटर लेवल भरा हुआ है, वाटर है इसमें, और ये कौन सी है, ये सक्शन पाइप है और ये हो गया सक्शन हेड। तो ये क्या कर रहा है, इसको सक कर रहा है, सक कर रहा है, तो पिस्टन कहाँ होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, वर्क करेगा। तो जब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगा तो इसको सक करेगा और ये सक्शन वाल्व ये ओपन हो जाएगा। सक्शन वाल्व ओपन होने के बाद क्या होगा, ये वाटर जब सक करेगा इसमें फिल हो जाएगा और ये जो पिस्टन ने जो कनेक्टिंग रॉड है, क्रैंक है, ये रोटेट होगी। आफ्टर देन फिर इसका प्रेशर अगेन, फिर इसे प्रेशर, हाई प्रेशर होगा बाय हेल्प ऑफ पिस्टन। तो इसको किस पे फोर्स करेगा, डिलीवर होगा, डिलीवर पाइप के थ्रू ये ऊपर डिलीवर हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, ऊपर पहले तो सक्शन पाइप की हेल्प से वाटर को सक हुआ, उसके बाद यहाँ प्रेस ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में आया, फिर बैकवर्ड हुआ। तो ये पिस्टन है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन मूव कर सकता है। तो ये जब फॉरवर्ड होगा तो सक करेगा और जब ये बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा तो उसके प्रेशर से कहाँ होगा, जो डिलीवर हो जाएगा वाटर, तो अपर लेवल पर वाटर या आप पहुंचा सकते हैं। तो ये डायग्राम है पूरा किसका, रेसिप्रोकेटिंग पंप का। समझ में आ गया सभी को। तो मूवमेंट ऑफ द पिस्टन इज ऑब्टेन कनेक्टिंग, जो मैंने बता रहा हूँ मूवमेंट कर रहा है वो कनेक्टिंग रॉड की हेल्प, ये क्या रोटेट हो रही है और ये पिस्टन फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन में ये मूव कर सकता है। तो इस डायग्राम को अच्छी तरह बेटा समझ लेना, बना लेना, प्रैक्टिस कर लेना, एग्जाम में जरूर आएगा। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी हुई हो बेटा तो जरूर इसको शेयर जरूर करिएगा, जिससे मैं और अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आ सकूँ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।